हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ग्रुप। दोस्तों, हमारे कोई भी मोबाइल के अंदर गूगल वाली सेटिंग ज़रूर होती है, हमारे फ़ोन की सेटिंग के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गूगल के कुछ छुपे हुए सेटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वाली सेटिंग्स आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। सेटिंग में जाने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गूगल वाली एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, कई बार हमारे दिल में ऐसा डर रहता है कि हम कुछ भी गूगल में सर्च कर रहे हो और हम जो भी सर्च करते हैं तो इसकी वजह से कोई लिंक ना आ जाए, जिसकी वजह से आपका मोबाइल हैंग हो जाए। क्योंकि दोस्तों, हम जो भी गूगल पर सर्च करते हैं, वीडियोस, मूवीज़ वगैरह, तो इसके अलग अलग वेबसाइट्स ओपन होते हैं, अलग अलग तरह के लिंक आते हैं जिनको आप ओपन करते हैं, तो कोई ऐसा लिंक ना आ जाए जिसकी वजह से आपका फ़ोन हैंग होना शुरू हो जाए या फिर आपको सेफ ना दिखाई दे। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अपने फ़ोन को सेफ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अकाउंट सर्विसेज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए, सब में यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए, सर्च असिस्टेंट एंड वॉइस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जनरल। जनरल पर क्लिक करना है। जनरल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, आपको सेफ सर्च, यहाँ पर ये वाले ऑप्शन को आप यहाँ से ऑन कर लेना है। इसे ऑन कर लेने से आपको ये फ़ायदा है दोस्तों, अगर आप जो भी गूगल पर सर्च करोगे वो बिल्कुल सेफ रहेगा। चलिए नेक्स्ट वाली सेटिंग बताती हूँ। दोस्तों, हम कई बार बहुत सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और डिलीट करते हैं। क्या आपको पता है, हम जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड या डिलीट करते हैं वो एक्चुअली आपके जीमेल अकाउंट से कनेक्टेड रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको डर लगा रहता है कोई आपका अकाउंट एक्सेस ना कर ले या फिर आपका पासवर्ड किसी को पता ना चल जाए। तो दोस्तों, आप यहां से इसको डिलीट कर सकते हो, वो एप्लीकेशन जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं हो, यहां से आप इसको डिसकनेक्ट कर सकते हो। यहां आप देखिए, अकाउंट सर्विसेज पे आपको फिर से यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर फर्स्ट वाला ऑप्शन कनेक्टेड ऐप्स, तो देखिए दोस्तों, यहां वो एप्लीकेशन शो हो जाएंगे जो कि आपके अकाउंट से कनेक्टेड है। अब इसको यहाँ से आप डिसकनेक्ट कर सकते हो। यहाँ स्क्रीन पर क्लिक देख सकते हैं आप। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिसकनेक्ट का ऑप्शन दे रहा है। डिसकनेक्ट से यहाँ पर इसको डिसकनेक्ट कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अभी जो एप्लीकेशन को यहाँ से डिसकनेक्ट किया था, यहाँ से वो डिलीट हो चुकी है। इस तरीके से आप इसको डिसकनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, आपके मोबाइल के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो आपके गूगल अकाउंट को एक्सेस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी ऐसी एप्लीकेशन पर ट्रस्ट नहीं है तो आप यहाँ से इसको डिसकनेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वाली सेटिंग के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, आप लोगों को कभी कभी इस बात का डर लगा रहता होगा कि आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है वो किसी दूसरे के मोबाइल पर शेयर ना हो गई हो, जिसे हम कास्ट स्क्रीन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें डर रहता है कि हम जो भी अपने मोबाइल में तरह तरह के एप्लीकेशंस हैं, हम जो भी अपने मोबाइल में करते हैं वो किसी और को कास्ट ना कर दे। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस सेटिंग की मदद से इसको चेक कर सकते हो। यहाँ देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए डिवाइस कनेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए कास्ट मीडिया कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए कास्ट मीडिया कंट्रोल पे, यहाँ ये एप्लीकेशन यहाँ पर ऑन है। क्योंकि दोस्तों, ये यहाँ से इसको ऑन ही रहने दें, क्योंकि दोस्तों मीडिया कंट्रोल्स फॉर कास्ट डिवाइसेस, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, आप अपने मोबाइल के मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं कोई भी डिवाइस पे कास्ट होने से पहले, जो कि आपको एक नोटिफिकेशन आएगा आपसे परमिशन मांगने के लिए, अगर कोई आपके मोबाइल के एप्लीकेशंस को किसी और मोबाइल पर कास्ट कर रहा हो तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपके मोबाइल को कोई और कास्ट कर रहा है। ये वाली सेटिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ज़रूर ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वाली सेटिंग बताती हूँ। दोस्तों, आपको इस बात का डर लगा रहता होगा कि आप अपने फ़ोन में कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ को आप यूज़ करते होंगे जो कि आप नहीं चाहते हो कि आपके मोबाइल का डेटा गूगल के पास जाए, या फिर आप चाहते हो कि आपके फ़ोन की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के पास जाए या फिर गूगल के पास जाए, तो आप यहाँ इस सेटिंग की मदद से इसको कॉन्फिडेंशियल मोड पर कर सकते हो। यहाँ देखिए, आप
ऊपर की तरफ देखिए थ्री पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन यूसेज एंड डायग्नोस्टिक्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों अक्सर ये वाली सेटिंग यहाँ से ऑन रहती है, अगर आप चाहते हो कि अगर ये आपके फ़ोन में ये वाली सेटिंग ऑन है तो उसको फ़ौरन ऑफ़ कर लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक ना हो और आपका डेटा गूगल के पास ना जाए, तो आप यहाँ से इसको ऑफ़ कर दें। तो दोस्तों ये थे गूगल के कुछ सेटिंग सीक्रेट वाले, जो कि आपके बहुत काम आएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वाले सेटिंग अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।